हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर्स की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान में किस पर महाभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में किस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत, नीचे कमेंट करके आप बताओगे, आपका काम है ये। मुख्यमंत्री के ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है और प्रधानमंत्री पे भी लगाने का प्रावधान नहीं है, तो राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहें तो वो जो है उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। फिर से एक बार आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल, जैसे देखिए राष्ट्रपति के नाम से सारे फैसले लिए जाते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे घोषणा गलत लिखा हुआ है, देखिए मैं फिर से इसे ठीक कर देता हूँ। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपके सामने ये रहा, भारत में देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। 1952 में, 1962 में, 1971 या फिर 1975। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1962। इंडिया और चाइना दोनों 1962 में वॉर लड़ रहे थे और उसी समय पहली बार स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। भारत के उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। इंटेलिजेंट व्यक्ति ही इस तरह के आंसर कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, द्वीपीय, देखिए द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है ये, राडी नंबर, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाता महाद्वीप का द्वीप किसे कहा जाता है तो आंसर आपका क्या होता, महाद्वीप का द्वीप एशिया को कहा जाता है। और देखिए यूरोप में आपको कोई भी मरुस्थल नहीं मिलेगा, कोई भी डेजर्ट नहीं मिलेगा, तो ये सब क्वेश्चन भी आप पेन पेपर पे नोट करते जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। याद रखिए ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मौसमी परिवर्तन की छत किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल को जो है, क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक का ये मंडल है, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सतह से सबसे नज़दीक का मंडल है। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम तापमान किस मंडल में होता है तो राइट आंसर आपका होगा मध्यमान, यानी कि सबसे लो टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे कम तापमान। और रसायन मंडल भी इसे कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है, समताप मंडल को ही क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रसायन मंडल, यानी कि केमिकल जो है इसे बोला जाता है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो अब बस आपको बताना है सबसे जो बड़ी चोटी है, सबसे लंबी चोटी है, वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये है हमारा पड़ोसी नेपाल, जहाँ पे आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, नीचे कमेंट करके बताइए, पता नहीं कितने बार एग्जाम में आ चुका है ये। थोड़े काम आप भी कर लिया करो और कमेंट में आंसर दे दिया करो। और अगले वीडियो में जो सारे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर जो करेगा स्क्रीनशॉट पहले वीडियो में उसकी लगा दी जाएगी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो नेपाल है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेपाल में जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे कहा जाता है सागर माथा, याद रखिएगा सागर माथा। एग्जाम में बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना प्यारा बुध। ये सबसे छोटा ग्रह भी है, स्मॉलेस्ट प्लानेट है, याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात, मंगल ग्रह को देखिए रेड प्लानेट भी कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है इसे, ठीक है। और अपना जो शनि है इसे क्या कहा जाता है, शनि को कहा जाता है काला ग्रह, ब्लैक प्लानेट कहा जाता है इसे। और वरुण को ग्रीन प्लानेट कहा जाता है, याद कर लीजिए, एग्जाम में तो खैर पूछे ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो प्लीज़ फटाफट पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। अगर वलय की बात की जाए ना, तो शनि ग्रह पे आपको वलय देखने को मिलेगा इसके ग्रह के, इसके चारों ओर देखना आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 74 का, वो होगा जिम कॉर्बेट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप
पूछोगे जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड। देखिए, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली अगला जो फैक्ट है वो समझ लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा आसाम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा आपको आसाम में, और गिर जो है, देखिए आपके यहाँ सबसे पहला लेटर कौन है? गिर। और गिर कहाँ मिल जाएगा आपको? गुजरात में। तो इस तरह से आप जो है रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हो। बढ़ते हैं वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो लिथोस्फेयर कहाँ है आपका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। राष्ट्र जो अस्थाई विटामिन है किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अस्थाई विटामिन कहा जाता है विटामिन सी को। अब पूछोगे कि क्यों कहा जाता है? तो इसे हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जिस कारण से इसे अस्थाई विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी की बात की जाए तो इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। अगर आप विटामिन ई खाओगे तो आपके चेहरे पर लाइट आएगी, चमक आएगी। और हार्मोन का विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। चलिए, फेयर एंड लवली का खर्च आप लोगों का बच गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? कहाँ है पोटेशियम? ये रहा। पोटेशियम का सिंबल क्या है नीचे कमेंट करके बताइए। इसका एटॉमिक नंबर भी आप लोग कमेंट करके बताइए, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को जोड़ा था, 500 से ज़्यादा रियासत थी जिसे इंडिया में शामिल किया गया था। तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस। और 21 सितंबर को क्या होता है अब आप पूछोगे, तो देखिए मैं बताऊंगा आपको। विश्व शांति दिवस, वर्ल्ड जो है पीस डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को। 23 दिसंबर को क्या किया जाता है? तो 23 दिसंबर को जो है नेशनल फार्मर डे डिक्लेयर किया गया है, इसे याद रखिएगा 23 दिसंबर को। अब आप पूछोगे कि 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो मैं कहूँगा कि कुछ आप भी गूगल कर लो, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। आप भी कुछ आप भी मुझे बताओ ना, नीचे बताइए आप कमेंट करके। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना, यानी कि ग्रीन हाउस गैस टर्म के बारे में किसने बताया सबसे पहले, इस कॉन्सेप्ट को किसने रखा? राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और देखिए, अगर ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पड़ेगा। सर्दी में सर्दी नहीं होगी, बरसात में बरसात नहीं होगी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और हम लोग धीरे धीरे जो है अंत की ओर बढ़ेंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, पेड़ लगाइए। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आपको मैं कुछ एक और चीज़ें बता दूं। ये जो विलियम गॉड है, इन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में बताया था। और ये जो मेयर्स हैं, इन्होंने देखिए एक मिनट ये रहा वेट मिनट ये जो मेयर्स हैं इन्होंने सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द का यूज़ किया था, कि हॉटस्पॉट शब्द क्या होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। पेंगुइन चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? कहाँ है भैया? अंटार्कटिका। ये है राइट आंसर। पेंगुइन चिड़िया आपको पता ही है, और ये ठंडे जगहों पे रहती है, तो अंटार्कटिका में सबसे ठंडा जगह आपको मिल जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाम। और देखिए, पाम सबसे ज़्यादा आपको इंडोनेशिया मलेशिया में मिलेगा, पाम ऑयल। और पाम ऑयल का जो आप देखना, जो ठेला पर आप जा करके छोटे छोटे जगहों पर खाते हो ना पकौड़ी वगैरह, तो ये पाम ऑयल से बनाया जाता है। और पाम ऑयल जो है खजूर के पेड़ों से बनाया जाता है, और ये बहुत ही कम कॉस्ट में बनाया जाता है, सबसे सस्ते तेल होते हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम शांति का नोबल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? राइट आंसर मदर टेरेसा। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है, भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कहीं कहीं पर यह नाम आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी मिलेगा, घबराना नहीं है, दोनों शख्स एक ही हैं, दोनों पर्सनैलिटी एक ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक और बात आपको मैं बता दूं, इनको इनकी जो साहित्यिक जो लिटरेचर था इनका, गीतांजलि के लिए इनको सबसे पहले साहित्य नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नीचे कमेंट करके बताइए कौन से साल में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर जी के बारे में? कमेंट करके बताइए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कछुआ का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 300 साल तक कछुआ जीता है, और कछुआ वाली कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किशोरावस्था में किस हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए यहाँ रहा ऑप्शन, ये वेट अ मिनट, ये देखिए रेनिन। और रेनिन का किससे संबंध है? रेनिन जो है दूध को पचाने के काम में आता है, और छोटे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दूध, वो दूध पीते हैं, दूध कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये विटामिन, ये जो हार्मोन है वो निकलता है। लेकिन आफ्टर दैट जब जब आप दूध का कंजम्पशन कम कर देते हो तो रेमिन जो हार्मोन है वो निकलना बंद हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए सॉइल में यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन को कौन देता है? तो देखिए मटर का पौधा जहाँ भी आपको मिलेगा ये आपके ज़मीन में है, नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्टी के लिए, इसकी क्षमता को बरकरार रखने के लिए, फर्टिलिटी को। तो राइट आंसर आपका मटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि ये क्वेश्चन है, अस्थमा के रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये जो राइट आंसर होगा वो होगा इफेड्रीन। इफेड्रीन हम लोग यूज करते हैं। और सिनकोना, अब आप पूछोगे कि सिनकोना क्या है भाई, तो सिनकोना का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, मलेरिया अगर आपको हो जाएगा ना तो सिनकोना का इस्तेमाल करोगे तो आप बच जाओगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युवा महासागर किसे कहा जाता है? हिंद महासागर को युवा महासागर कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट पियरी, पहले भी मैंने पढ़ाया था। और दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी ये एम्स्टर्डम, एमर्सन ने। तो राइट आंसर बी होगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव की खोज की थी ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन का जवाब आप दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।